बढ़ रही है, हम और आप क्या कर सकते हैं। जी सर, दूसरे चक्कर में अनिल शर्मा जी तो हमारे साथ हैं, तो उनकी मैं रिप्लाई ले लेता हूं। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि वो मुस्लिम जो मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करेगी। अमित शाह ने भी फैसला किया है, बस बंगाल जाके इतना बोला कि अब ममता दी जो है वो मां मानुष माटी की बात नहीं कर रही है, मुल्ला मदरसा और माफिया की बात कर रही है, वो मुसलमानों की बात नहीं कर रहे सर। वो बिल्कुल भी, आप देखिए ना कि वो माँ माटी मानुष ने मुल्ला मदरसा और माफिया की बात करती है, ये ममता बनर्जी हैं। कहाँ मुसलमानों की बात की उन्होंने सर, उन्होंने मुल्ला और मदरसा की बात की है। वो क्या कहते हैं ना कि कुछ विषैले कीड़े होते हैं, उनका काम डंक मारना होता है सर, तो वो डंक मारने की प्रवृत्ति उनको बाय बर्थ होती है, और कहीं ना कहीं कुछ संस्थाओं के द्वारा दक्षिणपंथी संस्थाओं में वही सिखाया जाता है उनको कि क्या करोगे आप, अल्टीमेटली क्या कर सकते हो, ये हो रहा है। लेकिन वो हॉरर फिल्म रैमजे ब्रदर कहते हैं कि नहीं बनाते सर, ये बस वही है, और वैसे भी इनको बहुमत मिल चुका है। मुझे लगता है कि अभी इस चरण में, पांचवें चरण में, बीजेपी इज हेडिंग फॉर द वन ऑफ द बिगेस्ट जोर्स ऑफ द लाइफ, और जब ये पंजाब हरियाणा आ जाएंगे, दिल्ली और हिमाचल और चंडीगढ़ आएंगे, ये करीब 35 सीटें हैं, यहाँ पर एक और बहुत बड़ा जोल्ट इनके लिए आने जा रहा है। एक छोटी टिप्पणी लूंगा, फिर उसके बाद मैं अचल जी के पास दो दो मिनट की टिप्पणी दूंगा सर जी। पहले तो सुनील भाई साहब की बात का जवाब दूंगा। मैंने प्रशांत किशोर का नाम इसलिए दिया कि वो बोल रहा है, हम नहीं मान रहे इस बात को, क्योंकि हम ग्राउंड पे हैं, हमने ग्राउंड पे हालत देखी है, और जो सुनील भाई साहब ने बोला उसको बिल्कुल एग्री करता हूँ। राष्ट्रीय मुद्दे तो है ही, संविधान मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है, राजस्थान में मैंने देखा बहुत बड़ा मुद्दा है, साथ में क्योंकि संविधान मतलब रिजर्वेशन, इससे जोड़ते हैं। एक मुद्दा और दिनेश जी, आपको अलग अलग जगह मिलेगा, अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, लोगों में एक भावना और है, शायद ये आखिरी चुनाव है इस देश का। कांग्रेस इस चीज को, नरेटिव को लोगों के दिमाग तक पहुंचाने में कामयाब हुई, पहली बार बोलूंगा मैं, नहीं तो कांग्रेस का आईटी सेल से वाहियात कोई चीज नहीं। आपको बताऊं, उनको हैंडल करना नहीं आता, क्या लिख रहे हैं, क्या बीजेपी लिख रही है, उसको वो काट भी नहीं पाते। अब के पहली बार मुझे लगता है कि दे बीन सक्सेसफुल, कि लोगों के ब्रेन में गया कि क्या ये आखिरी चुनाव है। लोग पूछते हैं, आप जाएंगे सड़कों में पूछते हैं, तो ये आप जो बोल रहे हो नेक्स्ट फेज है वो टफ है। मैंने आपको कई फिगर भी दिए नेक्स्ट फेज के, और मैं उस पर कायम हूं कि ऐसा नहीं होगा बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगी जैसे पहले दिखाया था, वो क्लीन स्वीप मुझे होती हुई दिख नहीं रही। सीटें तो 100% दिनेश जी मुझे भी लग रहा है लूज कर रहे हैं, पर देखिए आप हैं या सुनील भाई साहब हैं, राकेश जी हैं, गिरीश जी हैं, ईवीएम क्या हमारे कंट्रोल में है? उसको वो जो भगवान है ईवीएम भगवान, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मैंने इसीलिए आपको पिन पॉइंट करा, आज जो एक वीडियो वायरल हुआ उसमें लोगों ने लड़ाई करके ईवीएम उठाई, ये अपने आप में दर्शाता है कि जीत के लिए आप कहां तक जा सकते हो जी। दूसरी बात, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी, मैं भी पढ़ देता हूं, पर मैं किसी का नाम नहीं, लिखी थी वो आपकी रश्मि रथी, जब विनाश मनुष्य पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है, तो ये तो विवेक तो मर गया। जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, जिस ढंग से आप कैनवेसिंग या कैंपेन को आगे ले जा रहे हो, वो कहीं आपको फायदा नहीं पहुंचा रही है। आपको बताऊं मैं, कोई ऐसा स्टेट नहीं है। अब आपने कल रो भी लिए, राहुल गांधी तो पहले डिक्लेयर कर दिया था रोएंगे, कल अच्छी तरह गंगा के पास खड़े होकर रो भी लिए, वो तो आंसू भी निकाल दिए, मतलब मेलो ड्रामेटिक भी हो गए। अब इसकी भी उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है, कब रोना है कब हंसना है, इस पर भी बात करते हैं। पर मेरा मानना है, जो एंड जो मैं कंक्लूड करूं उससे पहले, मेरा मानना है कि जो आने वाला जो फेज है उसमें बीजेपी को डेंट पड़ेगा। जब मेरे को बीजेपी के ही नेता ने, हरियाणा के वन ऑफ द टॉपेस्ट लीडर ने कहा कि हम हरियाणा में सीटें हार रहे हैं, हमारा नेबरिंग स्टेट है, तो मतलब मैं कहता हूं 7 में से अगर 4 भी कांग्रेस ले गई, 3 भी ले गई तो बहुत अंतर, 10 में से अगर 5 भी ले गई तो बहुत अंतर पड़ेगा। ऐसे ही 7 सीटों में से दिल्ली की अगर आप और कांग्रेस 3 से 4 सीट ले गई, बहुत अंतर पड़ेगा। देखिए यूपी के, आपने सुनील जी से बात करी, यूपी में आपको थोड़ा मैं अपडेट देता हूं कि अभी सुनील भाई साहब करेक्ट करेंगे, शायद सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन नहीं हुए अभी यूपी में। तो जब मैं सट्टा मार्केट गया
तो यूपी में अभी जो फिगर चल रहा था वो चल रहा था 5 to 7 सीट्स डाउन, मतलब 64 से आप करीब 55-57 के बीच में हो, और फेज जब आगे बढ़ेगा तो ये और कम होता जाएगा मेरा मानना है, क्योंकि मोमेंटम कौन ले रहा है, मोमेंटम इंडिया अलायंस ले रहा है, और धीमे धीमे नीचे कौन आ रहा है वो है आपका बीजेपी प्लस एलाइज। आपको दिनेश एक बहुत जोरदार चीज बताता हूं, क्योंकि मैं 48 घंटे पहले ही वहीं था सट्टा मार्केट की तरफ, जब ये डिक्लेयर हुआ इलेक्शन तब फिगर क्या था सट्टा मार्केट में, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, तब फिगर था 325 और 345 से लेके 350 सीटें बीजेपी को, ये सट्टा मार्केट बोल रहा था। थर्ड फेज के बाद में वही सट्टा मार्केट बोल रहा है 275 से 285 सीट किसकी डिक्लाइन हुई, मतलब सट्टा मार्केट में भी जी। तो मेरा मानना ये दिनेश जी, देखिए जो सुनील भाई साहब बोल रहे हैं उसमें सच्चाई है, उसको डिनाई नहीं करा जा सकता कि हाँ सीटें कम हो रही हैं। प्रशांत किशोर का नाम लोगों को बताना इसलिए जरूर था कि वो भाई साहब बता क्या रहे हैं, और हम जो फील्ड पे जाते हैं, मैं तो टूर करके आया हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ वो मैंने आपको बताया कि मुझे लगता है जो पूरी की पूरी सीटें आपकी नहीं आ रही, किसी भी स्टेट में नहीं आ रही इंक्लूडिंग राजस्थान जी सर। तो मुझे दिनेश जी आगे जो टाइम है, आपने द ऑस्ट्रेलियन अखबार पढ़ा हो, उसने एक बहुत अच्छी चीज लिखी थी, हु आफ्टर मोदी, सक्सेशन प्लान क्या है बीजेपी का, कोई नहीं है। आपको बताता हूं कोई सक्सेशन प्लान नहीं है, क्योंकि अमित शाह ने वो 75 साल वाला क्लॉज भी हटा दिया, तो क्या सक्सेशन। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने उस पॉइंट को पकड़ के कैनवेसिंग करनी शुरू करी जी। कि 75 साल हो के तो रिटायर हो जाएंगे, अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। मैं कहता हूं जेल में बैठ के उन्होंने तगड़ी प्लानिंग करी दिमाग के अंदर, उनको फ्री टाइम मिला, उन्होंने पूरा प्लानिंग करी कि मुझे बाहर जाके क्या बोलना है, और बड़ा तरीके से हेट करा उन्होंने, जितनी भी कन्विंस कर रहे हैं तरीके से हेट कर रहे हैं दिनेश जी। सर राकेश अचल जी, राहुल गांधी का एक बड़ा अच्छा भाषण था, मेरे ख्याल उत्तर प्रदेश से था,